देश के सबसे बड़े दो दिवसीय ड्रोन महोत्सव का आगाज हो चुका है। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी किसान ड्रोन पायलटों के साथ पीएम ने बातचीत की और ड्रोन्स के प्रदर्शन को देखा। साथ ही ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत भी की। इस दौरान पीएम ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया का ड्रोन हब बनेगा। ड्रोन महोत्सव में सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिक, सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्राइवेट कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप समेत 1600 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस महोत्सव में ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट के लिए वर्चुअल अवार्ड, प्रोडक्ट लॉन्च, पैनल डिस्कशन, फ्लाइंग डेमोस्ट्रेशन, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी, प्रोटोटाइप का डिस्प्ले और दूसरी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि भारत में ड्रोन का उपयोग काफी तेजी से बढ़ा है। कृषि से लेकर खनन, सुरक्षा व कई अन्य क्षेत्रों में ड्रोन को उपयोग में लाया जा सकता है। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। साथियों, गांव में भी किसान के जीवन को आधुनिक, सुविधाजनक, अधिक संपन्न बनाने में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज गांवों में अच्छी सड़कें पहुंची हैं, बिजली पानी पहुंचा है, ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। लेकिन फिर भी गांव में जमीन से जुड़े, खेती से जुड़े अधिकतर काम के लिए पुराने सिस्टम से काम चलाना पड़ता है। उस पुराने सिस्टम में हर प्रकार का वेस्टेज है, परेशानियां भी बहुत है और प्रोडक्टिविटी तो पता नहीं, तय ही नहीं कर पाते कुछ हुआ कि नहीं हुआ। इसका सबसे अधिक नुकसान हमारे गांव के लोगों को होता है, हमारे किसानों को होता है और उसमें भी ज्यादा हमारे छोटे किसानों को होता है। छोटे किसान की जमीन और उसके संसाधन इतने नहीं होते कि वो विवादों को चुनौती दे पाए और कोर्ट कचहरी के अंदर चक्कर काट पाए। अब देखिए, लैंड रिकॉर्ड से लेकर सूखा, बाढ़, राहत में फसल के डैमेज तक हर जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर ही व्यवस्था निर्भर है। ह्यूमन इंटरफेस जितना अधिक है उतना ही अधिक भरोसे की भी कमी हो जाती है और उसी में से विवाद पैदा होते हैं। विवाद होते हैं तो समय और धन की बर्बादी भी होती है। इंसान के अंदाजे से आकलन होते हैं तो उतना सटीक अंदाजा भी नहीं लग पाता। इन सारी मुश्किलों से पार पाने का ड्रोन अपने आप में एक सशक्त, प्रभावी माध्यम के रूप में एक नया टूल हमारे सामने आया है। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वामित्व योजना भी है। इस योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है और भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। थोड़ी देर पहले मुझे भी स्वामित्व ड्रोन उड़ाने का, उसकी टेक्नोलॉजी समझने का अवसर मिला है। थोड़ी देर उसके कारण भी शायद लग गई। मुझे खुशी है कि ड्रोन की मदद से अभी तक देश में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हो चुके हैं।